अस्सलाम वालेकुम, आरजे भट्टी प्रोग्राम WTF के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज की इस एपिसोड में मेरे साथ दो ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनका आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है, और ये रिश्ता पूरे जो है चांद रात तक इनके साथ रहेगा, क्योंकि ये सुबह सुबह उनके पास पहुंच जाते हैं और वो सुबह सुबह इसके इंतजार में होते हैं। ये दोनों कौन लोग हैं इस ब्रेक के बाद? वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं एक बड़े आया पाए के डॉक्टर जिनके ऊपर परसों ही सखरिज केस बने हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। घबरा गए हो कि मैं तो है ही नहीं। हाँ जी, आवाज़ नहीं आई, मैंने कान दे विच लाया सीगा। जी सर। सर कांची लाई दा? सर नहीं, कान दे विच नहीं लाई दा, दिल ते लाई दा। अच्छा सर, ये आपके साथ कौन है? पाए ना, हेलो, शो शुरू हो गया। ये सर ये एक मरीज है जी, कल किसी ने वोटी है। नहीं नहीं, वोटी नौकर वोटी था। मैं सर बताता जाऊं कि इनकी मतलब कि इफ्तारी किसने करनी है। इनकी क्या होता है ये सर? पांच छह लोग हैं, ये एक नहीं है। इकल्ला नहीं? नहीं नहीं, इकल्ला है, इसलिए है ही नहीं। बिल्ली ने बच्चे देते हैं सर? ये आपको बताऊं कि इसने कोई की खादा सी ओए दस। हेलो ओ रू भाई जी, ये मुंह से कपड़ा सर रेडी लाई है बंदा। पता नहीं सर ये क्या क्या करके आ गया इधर आ गया सर। यार सिर्फ हां सर आप बताएं, वो गुंगा है सर? और सर जी 11 समोसे के ना खा ले यार मेरे, डेढ़ दर्जन रोल। हाँ मैंने खाए, मैं बताता हूँ भाई। उर्दू तो 10 के काट तो नहीं जाने पाए ना, पंजाबी जो दसो पूरे 11 खाते ने। सिर्फ 11 समोसे खाए हैं, 7 रोल खाए हैं, और खाए 7 रोल करके। हाँ जी रोल करके, वो पहले ऑलरेडी रोल हुए हुए थे। अच्छा ओए फिर क्या हुआ? ओ तो दो जग पीते ने जनाब, लाल शरबत ते तीन वड्डियां जनाब कोल्ड ड्रिंका पी के ओथे लेट गया। ओ हेलो, ओ एक मिनट बेटे, हर शय नु हाथ नहीं पाईदा डॉक्टर। ए ना दिमाग ते चढ़ गया सर अफतारी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप कह रहे हैं कि इस तरह के मरीज आपके पास पहले रोजों से आ रहे हैं, बड़ा रश है, आपकी तो बिक्री होगी? सर बिक्री तो होती है, लेकिन सरकारी जो जनाब अदारा है ना हमारा, वहाँ भी तो हमारी ड्यूटी अफतारी की ऐसी लगी हुई है, कसम से मैं तो तंग आ गया हूँ। इनका एमरजेंसी नाफिज हो जाती है जनाब मगरब के बाद, मैं तो बहुत परेशान सर। वैसे जितों एमर शुरू होंगी तुसी उत्थे ते खत्म हो जाते हो सर। तुसी अगर अगर एजेंसी वाला पार्ट नहीं देखे, बहुत मशहूर है। तो आप बाकी डॉक्टर हैं या किसी के खौफ से बने हुए? सर मुझे बताएं कि आप पहला डॉक्टर आप, मैं आपको आपको आवाज आएगी बकायदा तौर पे जी। उच्चा साल है, चेक करो आवाज आई ना बाहर सक। ए जनाब ये हरकत हो रही है इसकी, आप मुझे बताएं कि इनको डायरिया हो गया इसके पेट से। मैंने जनाब पता नहीं क्या, ये मेरा काम है कि आप हमें बताएं इसका मैदा हमने वाश किया सर। सर किस चीज से? सर वो सर कर दिया हमने, क्योंकि उस वक्त कोई चीज अवेलेबल नहीं थी। सर मैं बताऊं कि मैदे से निकला क्या क्या है सर? अंदाजा करें सर, एक तंदूर निकला है, वो जो पोर्टेबल तंदूर होता है शादियों में जाके खाना पकाते हैं, वो पूरा निकला है सर इसके अंदर से। इसके अलावा 3 चूल्हे निकले हैं और 5-6 शेफ निकले छोटे छोटे सर। आप अपना रोजा खोल लें, कोई एक खजूर एक पानी का गिलास। भाई आप मेरी बात सुने, हेलो इन सोनी कुछ नहीं रहा, कन्ना तक तेरी इफ्तारी आई है। कोई गरीबा दे काउंसलर इधर मेरे हल देख। सर क्यों इतना खाते हैं? मुफ्त मिलता आपको जी? रिश्तेदारी भी है ना जनाब, साड़ा लगता है। अच्छा एक मिनट हूं घर जाके ना दसी, बहुत अच्छी अगे सीना चेक करना तेरा। सीना अगे हुंदा डॉक्टर साहब? हां जी सीना अगे हुंदा, एरा पीछे चल गया इफ्तारी दी वजह तो। एक मिनट जरा थल्ले ही रहना है बेटा, एक मिनट जरा। उच्चा साल है उच्चा। डॉक्टर साहब इन्हें नहीं बचना, इन्हें इन वर्कशॉप ले जाओ बेटा। खांसी करो खांसी ना, ज्यादा जोर ना लाई, कुर्सी भी एक ही है साडे घर बच्चे। एक मिनट जरा इधर से, एक मिनट इधर की तल्ले का सर ओदे नाल माइंड कर रहा है सर, माइंड कर रहा है ये बातें सारी माइंड कर रहा है। अब मैं बताता जाऊं आपको। रोजेदार है भाई प्रोफेशन जी, आजकल रोजेदार है, सुबह सहरियों के लिए जाता है और शाम को अफतारियों के लिए जाता है। और तुम्हें बुलाता कौन है? सर ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आपने इनको बड़ा पैंपर लिख दिया था? सर जी तबीयत पैंपर लिखना सर, आपको गोलियां टैबलेट दवाई देनी चाहिए थी। इसको मैंने एक एकड़ जमीन लिख दी थी कि भाई आप खुला चले जाए वहां पर जाके जो करना है करें, पैंपर में रखिए बढ़ना है। और तू सर इसको मैंने 300-400 ड्रिपे लगा दिए, लेकिन इसका हैजा जो है वो ठीक नहीं हो रहा। सर अपनी मान से बताएं आप डॉक्टर हैं? सर मुझे छोड़े, मैं डॉक्टर हूं या नहीं हूं, लेकिन ए मरीज है तो मैंने दसो जरा। खादी नजरात वो देखो, खादी साहब मुझे बिल्कुल समझ नहीं लग रही, मेरी अखा के नेरा आ गया है, मुझे एक ब्रेक दे दे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। डॉक्टर साहब मैं अर्ज ये कर रहा था कि
ये जो भाई साहब हैं आपके साथ इतने फ्री हैं कि आपको वो मार रहे हैं, डॉक्टर का एक एहतराम होता है, ये तुम क्या होता है मसीहा होते हैं आप? ओ सर जो भी होते हैं, लेकिन ये जो बंदा है इसके सर, ये ठीक आवाज नहीं आ रही, इसके हेलो इसके जनाब सर पे चढ़ गया है जनाब गैस का गुब्बारा, अंदर से ना गोले उठ के इसके सर पे चढ़ गए हैं, इस बंदे का कुछ नहीं होता। ये देखिए ये बुरी बुरी हरकतें करता है, लाइक सर घर जाके जनाब बेगम अपनी तीन चार बारी भैन के हटे, अंदाजा करो वो खुद परेशान है। वो बोली रोटी खा लो बंदे ने भैन लगन लग पैंदी। ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। अगे चलो होर की करदा है सर? होर भूख जदों लगदी है ते बच्चे लखोणे पैंदे ने। वो नहीं बताना है वो सर रोजे मैं नहीं बता सकता। ओ गल सुन मेरी, ओए ओ वाली गल जदों इना तो किसी ने कंबल दे दिता सी। बिल्कुल बिल्कुल, इधर भाईजान ये पहले सर मदरसे में होते थे, मुझे अपनी कहानी सुना रहे हैं जनाब, बता रहे हैं। मदरसे में दो ही लोग हो सकते हैं जिन्हें इनका हुजम है, बाकी बच्चे तो निकल गए होंगे। सर वो बच्चे तो जनाब इसके साथ साथ लगा के बाद में रोटी खाते थे कि इन्होंने खा ली है, अंदाजा करें सर। ये अचार के तौर पर वहां पे भर्ती थे, ये पता नहीं करते क्या थे उधर। ओ इनको मैं बताता जाऊं कि दीवार पकड़ पकड़ कर घर आए हैं जनाब, ये दीवार पकड़ पकड़ आप हौसला क्यों नहीं करते, यानी थोड़ी थोड़ी देर बाद पागली क्यों जाते हो? जिंदगी का क्या भरोसा, दस्तरखान दे उत्ते नु जिंदगी दा एहसास हुंदा। आ गल तुसी पिछले रोजियां तो सानू यही कह रहे हो कि अगला सांस आए ना आए। सर ये ना मैं बता दूं, नहीं लेना चाहिए क्या पता अगला सांस आए ना आए, बंदा जो चीज पड़ी है खा लेनी चाहिए। हाजमा भी तो नहीं ना ठीक है सर। सर ये सिर्फ खाते नहीं, जग शुक्र है कि कुछ स्टील का था, दांतों से चबाया नहीं गया। कहाँ जा रहे हो बार बार, मरीज इधर है तुम्हारा, ये डॉक्टर बार बार उधर जा रहे हो, डॉक्टर को ये डॉक्टर के साथ ज्यादती हो रही है सर। इसको पकड़ के जब दीवारों के साथ लेके आया ना, दीवार जनाब घर आके गिरा है, तो बताया लोगों ने इसकी वालदा को कि मुंडा तुहाडा जिहड़ा है वो अफतारी करता पकड़ा गया था, इसको जनाब लेके आए। वही तो नहीं है जिनके बारे में अस्पताल में खप मड़ गई थी के दिल खान मुसलसल हो रहे हैं सर? नहीं नहीं सर ये वो नहीं है, ये तो खैर वो सुहेल चौधरी था भाई। अच्छा वो सुहेल चौधरी थी, उसका तो मुंह ही नहीं हो रहा था सर। बेलचे नाल सिर लग खांदे। सर मैं आपको बताऊं के वालदा को इनको को बताया मैंने, कहा ये बेचारा तकरीबन जो है ना बहुत हो गया, किस तरह आया ये खाना खा के? कहता है ये घटा खाना खा के आया, ए अबे नु मंजे ते पा के लियांदे सके घर, अंदाजा करे के वो माशाल्लाह कितना खाते होंगे। और ये जनाब पांच छह तो बंदों की इफ्तारी, ये जो हिल रहा है पेट है सर, ये वाला जो है हाँ जी सर, इसके अंदर दो तीन स्टूडेंटों की रिहायशें हैं, ये सारे पेइंग गेस्ट हैं इसके अंदर, अंदाजा करें। हॉस्टल बनाया सर, हॉस्टल है छोटा सा, चार पोर्शन है इसके, ये खिड़की वाला है जनाब सर। ये मर्दा नहीं, तू दिखाता नहीं लोगों को, दिखाता नहीं डॉक्टर साहब, ये मर्दा नहीं अंजुमन है सर। मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैं आपको बताता चलूं, इसकी शक्ल देख लें, इसको अफतारी भी आपने नहीं बुलाना, वरना अगर ये जिथे अफतारी से जाता है ना, मतलब की एमरजेंसी होती है, 1122 नाल जाती है, अंदाजा करो सर। मेरे लोग की खजूरा नाल रख दे है, पानी नाल रख दे, 1122 रख सर, एरे नाल एरे मोबाइल से डायल हुंदा है, क्योंकि इफ्तारी जो ए अद्धी क कर लेंदा डायल कर देंदा सर। ओए चेक कर, ओए वाह वाह अच्छी गल है, किसी एक नु डायल कर देंदा। अच्छा यार ये बताए मुझे कि ये बात किस हद तक दुरुस्त है, कि इससे कोई शरबत का पूछे कहता फायर ब्रिगेड जी रूह अफ़ज़ा पा लो। सर ये शरबत जो है ग्लासों से नहीं पीता, आपको पता है कि जो बड़ा ड्रम होता है मतलब जैसे पेट्रोल, मैंने सुना पेट्रोल पंप वाले आदि टैंकी जी रूह अफ़ज़ा पांदे ओदे नाल मेरे ते पूंछ भर ओ सर बताते, आप भी तो कोई बोले ना, आप आराम से क्यों नहीं खाते, पैसे तुसी पूरे लेंदे ते जुगता करनीयां हुंदियां मरो। हेलो ओ भाई ने गड्डी में अपने पैसे दी लई है। अच्छा हां जी इथे बोलना है थोड़ा जिया, तू क्या मसला है आज, तू मरीज है? हाँ जी हाँ जी सर, मतलब क्यों नहीं आराम से खाते हो? दोबारा से लो गल करो, आज भी रोजा है, हो गया दोबारा से, वो काफ दे चूहे, ये कितना टाइम है सर, रोजा नहीं छोड़ता ये इसकी, यमन की मोची। अच्छा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, तुम ये आराम से अगर खाओ दो तीन खजूरों के साथ। डॉक्टर साहब आपने मेरे से बात करनी, इंटरव्यू मैं ताड़ा ले रहा हूं, वो कार ते मेरी गल सुनदा नहीं ना, कार सुना ले रहा हूं सर ना क्लिनिक सुना। आप मुझे बताएं एहतियाती तदाबीर बताएं कि कैसे कम खाया जा सकता है और कैसे अपने आप को फिट रखा जा सकता है रोजों में, बताएं। बिल्कुल सर, ऐसा है कि जैसे क्योंकि लग रहा होता है बंदे को मैंने पता नहीं इफ्तारी में कितना कुछ खा लेना है, और दूसरे नंबर पे ये ठंडा जो पानी है ये भी इंसान के लिए बहुत ही बुरा है, क्योंकि इंटरनल जो टेम्परेचर है आपके स्टमक का वो जो नॉर्मल होता है 96। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अच्छा सर स्टमक किसको कहते हैं? सर स्टमक मेदे नु कहंदे ने, होर स्टमक नु केड़ा जनाब उते मजा बनी दी और सर आपकी तो अपनी सेहत भी जो है वो बिल्कुल रूढ़ी ते बहन वाली है। सर बताता जाऊं कि मैं एक छोटे से यूनियन काउंसिल का जो होता है ना, एक छोटा सा डॉक्टर, बिल्कुल उसी का डॉक्टर हूं जनाब। सर तुसी ओदे नहीं जेड़ा गुब्बारे वाला बेचदा डॉक्टर सेट? सर वो नहीं, वो वाला नहीं, सर वो तो छोटे बच्चों के लिए होता है। मैं आपको बताऊं
कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए आपको, ठीक हो गया। और एक जो बहुत ज्यादा कंसेप्ट है फ्राई चीजों का, मतलब कि जिवें रोजे फर्ज होंदे ने ना, तो पकौड़े भी नाल ही फर्ज हो जाते हैं, हालांकि पकौड़े फर्ज नहीं हुए। प्रोड्यूसर कुछ कह रहा है लेकिन ऊंचा नहीं कह रहा, समझ नहीं आ रही। चलो कोई गल नहीं, प्रोड्यूसर यही कह रहे हो कि मैं फ्रेम तो बाहर हो गया हूँ, हालांकि जब मैंने चेक करो फ्रेम तो बाहर अंदर मार। हेलो भाई यार, एक तो 15 मिनट बाद इसका बीपी चेक करना पड़ता है, और मेरे को मशीन नहीं है कि सर इसका मोबाइल चेक करें, आप बीपी चेक ना करें। अगला साहब बेटा रोक ले, हुन तो लेना नहीं साहब, फटी साहब करो इंटरव्यू तुसी सर बस। हाँ मेहरबानी। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये वाकई मरीज है या प्रोग्राम में बना कर ले आए सर? बनाना मुझे को बनाने ये मरीज नहीं होते ये लोग, ये सिर्फ ज्यादा खाने से, ये मतलब लोगों को कम खाने से बीमारियां लगती हैं, और ये वाहिद एक मतलब के को हाथी नवा शहर। सर क्लिनिक कहाँ आपका? हाँ जी इधर कहाँ? नाले पे है जनाब, नाले के ऊपर, नाले लही के ऊपर। जी सर, उसके अलावा जगह ही कोई नहीं। मरीज वहाँ से रुड़ते रुड़ते आते हैं? नहीं नहीं, तुसी जाल लाया जेड़ा फास गया, फास गया। सर मरीज एक्चुअली आबादी ऐसी है वहाँ पे कि उनके लिए आपको बता, आप खुद कितने अरसे से प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर मुझे 5 साल हो गए। किस इलाके से तलक है आपका? सर मेरा जनाब रिपब्लिक स्टेट ऑफ टोबा टेक्सिंग से, बाहरों आया ना। और तुसी ये नेपाल दे नाल है? हाँ जी नेपाल दे नाल। नहीं नहीं नेपाल दे नाल नहीं सर, ये फैसलाबाद दे नाल ही। जनाब ये दिमाग खराब करी जा रहा है, साल है कोई दर्द शर्द नहीं है, ऐसे इसने ड्रामेबाजी की हुई है। कोई मैं मरीज नहीं हूँ, ये मुझे इसने कपड़ा दे के कहता है अफसर तूने मरीज बन जाना है, मेरा इंटरव्यू है, मुझे वो जो है ना पेशेंट्स और मिलेंगे, मेरी मशहूरी होगी, मुफ्त की है देखिए बेटा, बेटा एक मिनट मेरी गल तेरे पल्ले कुछ नहीं रहना बेटा, इस तरह नहीं, आखिरी वक्फे दे उते आगे नहीं बोलना सर। ये लगता है मुझे इनके ज़हन पे भी असर हो गया सर, ज्यादा खाने से असर हो जाता है, क्योंकि ये खाते ही ज्यादा है, कम तो खाते ही नहीं है सर, सिर्फ ज्यादा खाते हैं। अगर इनको कोई गैस ट्रबल का प्रॉब्लम है तो बचें आप सर, क्योंकि पाइप लहलहा के लब रहे सर। मैं बताता जाऊं कि ये इसकी वजह से सुबह सहरी में गैस नहीं मिलती, और अफतारी में भी इसकी वजह से नहीं मिलती, इतना ये गैस ट्रबल है, ये बहुत ज्यादा गैस ट्रबल है। इन्हें तो कंटेनर सटाए हुए हाज मूले दे सर, वो पैन की चौंदा है, देखो इन्हें कल भी जनाब मेरे दो बटन लाल है। मजे की बात हूँ, आप लोग यहाँ बातें करें, मेरे प्रोड्यूसर ने जुम्मे दी पई है। सर कोई बात नहीं, वो होते हैं कोई नेक इंसान भी दुनिया में, ऐसे कोई नहीं। उन्होंने उन्हें कपड़े अच्छे पाए हुए ने आज किने प्रोड्यूसर साहब ने, उन्होंने पढ़ना होगा। हाँ जी चेक करो। अच्छा भाई खाफी नजरात, मुझे तो इजाजत, इंशाल्लाह dptv.live पे इसको डाउनलोड करें और इस एपिसोड को शेयर करें, और इस तरह के मरीज और डॉक्टरों को देखते रहें, एंजॉय करते रहें। टाटा गुड बाय।